नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। सरकारी अलर्ट जेबी सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार, मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बिहार पुलिस से रिलेटेड है, जो अभी अभी एग्ज़ाम पड़ा था, जो 1/10/2023 को स्टार्ट था, जो कि पहला एग्ज़ाम 1/10/2023, दूसरा एग्ज़ाम 7/10/2023 और तीसरा एग्ज़ाम 15/10/2023 को था। तो आपको इस न्यूज़ देने का यही तत्पर था, यही मजबूरी थी कि आज जो 1/10/2023 में जो एग्ज़ाम पड़ा था उसमें किसी मतलब बहुत सारे गैजेट पकड़े गए थे, बहुत सारे चोरी किए गए थे, इसके कारण एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले थे वो सारे एग्ज़ाम का डेट स्थगित कर दिया गया। तो जब तक अगला आदेश नहीं आता है, जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ पढ़कर बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। तो नोटिफिकेशन में पढ़ के अभी बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, जो मैं आपको नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा दिनांक 1/10/2023 रविवार को दोनों पालियों में संपन्न हुई है। ये आप लोगों को किसी किसी का हुआ था, बहुत लोगों का 7 का था और किसी का 15 को था, ठीक है। विदित हो कि दिनांक 1/10/2023 रविवार को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफ़ी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चीट पुर्जे के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत से भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि परीक्षा के प्रश्नों के तथाकथित उत्तर सादे पन्नों पर मात्र सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए और चीट पुर्जा के साथ पकड़े गए इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान अंतर्गत है, लेकिन दिनांक 2/10/2023 के अपराह्न उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियां प्राप्त हुई है। इन जानकारियों के विश्लेषण उपरांत पाया गया कि इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम दृष्टता सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह के और मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। इन क्रियाकलापों के कारण परिषद की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है, मतलब खराब हुआ है, मतलब चोरी करने के चलते। इसके कारण उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परिषद के द्वारा दिनांक 1/10/2023 रविवार को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ दिनांक 7/10/2023 शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थीय पाली तथा दिनांक 15/10/2023 रविवार को निर्धारित पंचम एवं षष्ठम पालियों की लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। सभी पालियों की प्रथम से षष्ठम पाली तक की लिखित परीक्षाओं को नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद के वेबसाइट पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मतलब कि सारे जो भी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में एग्ज़ाम था, सारे को स्थगित कर दिया जाता है और अगले सूचना तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है। आज तक के लिए मेरा आपका साथ इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आने तक मुझे विदा दीजिए, बाय।